यूपी कांग्रेस की नई बॉस प्रियंका वाड्रा पूरी पार्टी को जिस डंडे से हांक रही हैं, उससे तो साफ लगता है कि प्रियंका अपने ही नेताओं से बदला लेना चाहती हैं। बदला राहुल गांधी के अमेठी से हारने का, बदला लोकसभा और फिर उसके बाद हुए उपचुनावों में कांग्रेस की बुरी दशा का। अनुशासन का डंडा दिखाकर प्रियंका दर्जन भर सीनियर नेताओं को पार्टी से बाहर कर चुकी हैं। लेकिन अब उनके निशाने पर रायबरेली सदर की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह हैं, जिनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के नोटिस दिए जा चुके हैं। अदिति सिंह पार्टी व्हिप को न मानते हुए विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुई थी। रायबरेली में बड़ी पैठ रखने वाली अदिति सिंह को पार्टी से बाहर करने का नतीजा कांग्रेस को रायबरेली सीट गंवा कर चुकाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी की सीट रायबरेली को बचा पाई थी, लेकिन प्रियंका वाड्रा की कारस्तानियों से अब सोनिया गांधी की सीट भी हाथ से निकल सकती है। रायबरेली से कांग्रेस की मुसीबत सिर्फ अदिति सिंह नहीं है, बल्कि हरचंदपुर के विधायक अशोक सिंह कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अशोक सिंह के बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और अदिति सिंह और अशोक सिंह के कांग्रेस छोड़ने का सीधा सा मतलब है सोनिया गांधी को राहुल की तरह कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना खोजना होगा। और वैसी कोई सीट कम से कम यूपी में तो नहीं है, महाराष्ट्र में उद्धव के साथ सरकार बनाने की कीमत भी कांग्रेस को चुकानी है। माना जा रहा है कि कुछ बचा खुचा जनाधार है कांग्रेस के इस फैसले से खत्म होने वाला है। यूपी कांग्रेस की हकीकत यह है कि प्रियंका वाड्रा की वजह से वहां कभी भी बगावत हो सकती है, क्योंकि प्रियंका के काम करने का तरीका पुराने नेताओं को कतई रास नहीं आ रहा है।